लर्न विद विभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू टिक्की चाट वाले। इसके लिए हमने ये चावल का आटा, इसमें थोड़ा सा अपनी जरूरत के अनुसार जितना आपको लगे, क्योंकि ये आलू को बांधने का काम करेगा बाइंडिंग का। थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पत्ता, दो हरी मिर्च, मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये नमक अपने स्वाद अनुसार। अब इस सबको अच्छे से मिला ले, नहीं मिलता हो अगर हाथ में लग रहा हो तो आप थोड़ा सा तेल इस तरह से ले सकते हो, तेल डाल करके अच्छे से मिला लीजिए। ऐसे मैंने डो तैयार कर लिया, अब मैं इसे टिक्की का शेप देने जा रही हूँ। इस तरह से हाथ में थोड़ा तेल लगा लें, इस तरह से सारे टिक्की बना लें। इस तरह से मैंने सारे टिक्की बना लिए, 5 टिक्की बना है। अब मैं इसे तलने के लिए, सेकने के लिए मैं इसे सेकूंगी। इस चल रही हूँ, पैन चढ़ा दिया है मैंने। अब मैं इसे कुछ तेल डालूंगी, थोड़ा सा मैं चारों तरफ इस तरह से फैला दे रही हूँ तेल को। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सेलो फ्राई कर रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम में लूँगी, मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है। ये एक तरफ ब्राउन होने के बाद ही इसको पलटे। ये ब्राउन हो चुका है, दोनों तरफ से सिक चुका है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं वो दो जो बचा हुआ है उसको भी इस तरह से मैंने सारे टिक्की सेक लिए हैं। अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। ये दही आप अपने जरूरत के हिसाब से दही ले सकते हैं, जितना आपको लेना हो। ये हरी चटनी,
ये मीठी चटनी इमली का। ये चटनी हमेशा मेरे घर में मिल जाता है, एक बार बना लीजिए, फ्रिज में बना कर रख लीजिए, आपको 6 महीने तक चल जाता है। काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, जीरा हमेशा यूज करें तुरंत भून करके, क्योंकि इसका एक अलग टेस्ट आता है। चाट मसाला, प्याज, टमाटर, ये ऑप्शनल है, आपको मन हो तो डालें, नहीं मन हो तो नहीं भी डाल सकते। ऊपर से थोड़ा सादा नमक और ये सेवई। मीठी चटनी और डाल दे रही हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आलू टिक्की चाट मसाला। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। घर में बनाइए, मार्केट से तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।